रिटायर्ड डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एयर स्पोर्ट्स हूँ सर। आज जो और ये जो संस्था है राष्ट्रीय विकास संस्था, इसका संस्थापक तो। सर आज जो ये नशा निवारण पर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, किस उद्देश्य के साथ ही आयोजित की जा रही है और क्या इसमें गतिविधियाँ रहेंगी? हमारे हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पर नशे का व्यापार हो रहा है, नशे का बर्ताव हो रहा है, उस बात से इतनी दुख हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऐसी बीमारियों में फंस गए हैं नशे में कि वो घर से बेघर हो गए हैं, और कई लोग तो पढ़ने से रह गए हैं और कई बीमारियों से ग्रस्त हैं। तो हमने ये सोचा, और सरकार का भी प्रयास है, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कई बार कहा है कि नशा निवारण के लिए कार्य किया जाए, प्रयोग किया जाए, और इसके सार्थक प्रयाणा निकलते हैं। हमने ये सारे ज़िले में लगभग ये प्रचार किया है, और शिमला शहर में 40 स्कूलों में हमने ये प्रतियोगिता करवाई बच्चों से। प्रतियोगिता के साथ साथ ये जागरूकता का भी कार्यक्रम किया, ताकि नशा निवारण के लिए अभिभावक भी जागरूक हों और विद्यार्थी भी जागरूक हों, और अध्यापकों के साथ साथ उनके जो और साथी रिश्तेदार हैं वो भी जागरूक हों, क्योंकि एक परिवार में एक भी बंदा अगर नशा करता है तो सारे परिवार को या सारे गाँव को वो खराब कर देता है। तो ये प्रयास है, और बहुत अच्छा प्रयास रहा है, बहुत अच्छी बातें निकली हैं, विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे विचार रखे हैं, और अध्यापकों ने उसमें बहुत सहयोग किया है, और इससे जागरूकता आई है लोगों में, और शायद हो सकता है कि जो नशे में फंसे हैं लोग वो भी इससे बच जाएं और नशा छोड़ दें, क्योंकि नशा छोड़ देंगे तो वो उनका जिंदगी बन जाएगा, नहीं तो ज़िंदगी उनकी बर्बाद हो जाएगी। हमने बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी देखे हैं जो पढ़ाई छोड़ करके नशे में फंसे हुए हैं, और उनका कैरियर जो है, उनका जीवन भी खराब हो रहा है। तो हमारा प्रयास है, बुद्धिजीवियों का प्रयास है, सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका प्रयास है, और हमारी संस्था में बहुत ही अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं जिनका ये सहयोग हमें मिल रहा है, और बड़े जी जान से ये काम कर रहे हैं। आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है? आज का जो कार्यक्रम है, इसमें जो ज़िले में हमारे प्रतियोगिताएँ हुई थी, उनमें से बच्चे जो टॉपर आए हुए हैं उनकी आज यहाँ प्रतियोगिता भी करवा रही है, और जागरूकता भी की जा रही है, ताकि अध्यापक और अभिभावकों को भी इसके बारे में जागरूक किया जा सके। और ये लगभग 25-26 स्कूलों के बच्चे हैं, जिनमें से वो बच्चे जो हैं यहाँ आएंगे, अपना विचार भी रखेंगे, कुछ बच्चों को हम पुरस्कार देंगे, जो प्रथम द्वितीय तृतीय आएंगे उनको हम पुरस्कार देंगे, और सभी बच्चों को प्रमाण पत्र देंगे, ताकि उनके पास ये सर्टिफिकेट रहे कि हमने इसमें भाग लिया था, और वो आगे के लिए वो और तैयारी करें ताकि वो और इनाम लें। तो ये अभी आपने सुना, जो संस्था है राष्ट्रीय विकास संस्था हिमाचल प्रदेश, उसके द्वारा रोटरी टाउन हॉल शिमला में आज जो नशा निवारण अभियान एक चलाया गया है, उसके तहत प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिला भर में ये प्रतियोगिताएं करवा गई थी, और जो उसमें अव्वल रहे हैं छात्र वो जो हैं उनके बीच में आज प्रतियोगिताएँ करवाई जा रही है। भाषण प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें स्कूली छात्र भाषण के द्वारा जो है नशे पे अपने विचार रखेंगे, नशे के दुष्प्रभावों के बारे में अपने विचार रखेंगे। विद्यार्थी भी नशा करते हुए पाए जाते हैं, बीड़ी, सिगरेट, चरस, भांग, गुटखा और तो और आजकल का प्रसिद्ध नशा चिट्टा इत्यादि का सेवन करते हैं। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजते हैं, परंतु कुछ विद्यार्थी स्कूल पढ़ने की बजाय किसी गली मोहल्ले में नशा करते हुए पाए जाते हैं। जरा सोचिए उन माता पिता के दिल पर क्या बीतती होगी, जो अपनी मेहनत का एक एक रुपया इकट्ठा कर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। जरा सोचिए उन माता पिता पर क्या बीतती होगी, जब कभी भी अक्सर किसी नशा करने वाले व्यक्ति से ये पूछा जाता है कि आप नशा क्यों करते हैं, तो उनका जवाब होता है कि हम अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए नशा करते हैं। अरे यदि यही हकीकत होती ना, अगर यही सच होता तो आज देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने पास एक शराब की बोतल रखता, और जब भी उसे तनाव महसूस होता तो वो एक घूंट दवा के रूप में ले लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। शराबी हर कहीं धोखा खा जाता है, बिस्तर ना मिलने पर रास्ते पर सो जाता है। शराबी के है बस दो ठिकाने, ध्यान से सुनिएगा, शराबी के है बस दो ठिकाने, एक ठेका दूसरा थाने। एक नशा करने वाला व्यक्ति कहता है कि हम कहां नशा करते हैं, अगर कर भी ले तो हमें नशा लगता नहीं, अगर लग भी जाए तो हम गंदी नाली में गिरते नहीं, अगर गिर भी जाए तो कुत्ता हमें चाटता नहीं। अरे भला चाटेगा भी क्यों, ऐसे लोगों को तो कुत्ता चाटना भी पसंद नहीं करता है। एक नशा करने वाला व्यक्ति स्वयं का जीवन तो नष्ट करता है, बल्कि साथ ही साथ अपने परिवार में अपने माता पिता की इच्छाओं
अपनी पत्नी की खुशियों और बच्चों के सपनों को भी नष्ट कर देता है। एक नशा करने वाला व्यक्ति समाज में अपनी पहचान खो देता है, मान सम्मान खो बैठता है। बीवी बच्चे भूखे तुम्हारे, घर पर खाने के लिए कुछ नहीं तुम्हारे। बीवी बच्चे भूखे तुम्हारे, घर पर खाने के लिए कुछ नहीं तुम्हारे। क्यों अपनों की तुम्हें परवाह नहीं, क्यों जिंदगी की तुम्हें चाह नहीं। क्यों अपनों की तुम्हें परवाह नहीं, क्यों जिंदगी की तुम्हें चाह नहीं। ना जहर से भरा ये जाम लो, जिसे जिंदगी समझते हो वो गहरी खाई है। जो भी उतरा है इसमें उसने अपनी जान गवाई है, उसने अपनी जान गवाई है। 31 मई को प्रत्येक वर्ष तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को नशे से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक करवाया जाता है। यदि चाहते हो कि देश का हर एक व्यक्ति नशे से दूर रहे, तो ध्यान रखिएगा कि हमें लोगों को नशे से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक करवाना होगा। लेकिन जब कभी भी एक नशा करने वाला व्यक्ति दिखाई देता है, तो केवल मुंह से यही निकलता है कि वो अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूंगी कि बापू जी की आजादी का सुनो सभी ऐलान रे, बापू जी की आजादी का सुनो सभी ऐलान रे, नशा छोड़ दो जागो भारत माता की संतान रे, नशा छोड़ दो जागो भारत माता की संतान रे। नहीं सुधरोगे तो मिट जाओगे ऐ नशा करने वालों, नहीं सुधरोगे तो मिट जाओगे ऐ नशा करने वालों। तुम्हारी दास्तान रहेगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तान रहेगी दास्तानों में। इसीलिए गली मोहल्ला और मकान जन जन तक पहुंचाना मेरा यह पैगाम, जन जन तक पहुंचाना मेरा यह पैगाम। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जन जन तक पहुंचाना है ये संदेश, ताकि सभी जागरूक हों, चाहे प्रदेश के हों, देशवासियों, इवन बच्चे हों, सहपाठी हों, स्कूल के हों, कॉलेज के हों, सभी को जागरूक करना अति आवश्यक है। इससे पहले कि सेकंड पार्टिसिपेंट आए, मैं अपने डॉक्टर ओपी शमी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आए। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हमारे आकाश सिंह, स्कूल है निशिका। आकाश सिंह, मादक द्रव्य क्या है? मादक द्रव्य क्या है? किसी तरह बताएंगे केवल दो ही शब्द है या इससे भी कुछ अधिक? बोलने में आया हूँ, बोलने में आया हूँ, बोलकर ही जाऊंगा। अपने वचनों के कुछ एक पल आपके जीवन में छोड़ जाऊंगा। डर नहीं है मुझे, डर नहीं है मुझे इसका जो भी हो अंजाम। उपस्थित माननीय अतिथि, आदरणीय तथा छोटे बड़े सभी को संजय गांधी पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय न्यू शिमला के छात्र आकाश का प्रणाम। कहे कथनों में त्रुटियों को क्षमा कर देना मुझे राहत, आप सभी का आशीर्वाद बना रहे बस यही है मेरी चाहत। आज हम सभी यहाँ पर नशा निरोधक हेतु एकत्रित हुए हैं। आप में से नियमित मात्र ही मादक द्रव्य इन दो शब्दों से परिचित है। आइए अब आप सभी को मैं मादक द्रव्य इन शब्दों से परिचित कराता हूँ। मादक द्रव्य के व्यवहार से उत्पन्न होने वाली दशा, मादक द्रव्य के व्यवहार से उत्पन्न होने वाली दशा, यह परिभाषा है उसकी जिससे हम सब परिचित है, नाम है उसका नशा। यह परिभाषा है उसकी जिससे हम सब परिचित है, नाम है उसका नशा। पश्चिमी संस्कृति वाले देशों का अनुसरण करते हुए आज जिस तरह से हमारे देश में युवाओं का नशे की तरफ रुझान बढ़ता ही जा रहा है, यह वाकई में गंभीर चिंता का विषय है। वह युवा जिसे हम अपने देश का उज्जवल भविष्य मानते हैं, वह युवा जिसे हम देश की शक्ति मानते हैं, आज उसे नशे के कीड़े ने इस तरह जकड़ लिया है जैसे कि मानो अपने शिकार को। आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या पैदा हो रही है युवाओं के नशे का शिकार होना। जो कल के होने वाले देश के जाबाज कर्णधार है, आज वही नशे के शिकार है। जिन्हें देश की उन्नति में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए, वे आज अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा नशे में चोरी, लूटपाट, मर्डर जैसी कृतियों में नष्ट कर रहे हैं।
आज के 90% हुआ, आज के 90% हुआ किसी ना किसी